गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम 12 मार्च के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मारायूर जैगरी, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, वो किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है केरल। हाल ही में केरल के मारायूर जैगरी को GI टैग दिया गया है। GI का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसके अलावा हाल ही में कुछ और प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कड़कनाथ चिकन को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अल्फांसो मैंगो को GI टैग दिया गया है और ओडिशा के कनमाल हल्दी को भी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। इसके अलावा हाल ही में बिहार के सिलाव खाजा को भी GI टैग दिया गया है और बिहार की शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है। बिहार की बात करें तो हाल ही में बिहार सरकार ने एक यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम शुरू की है। इसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को राज्य सरकार पेंशन प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा बिहार हाल ही में एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। हाल ही में बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने लीकर कंसाइनमेंट को डिटेक्ट करने के लिए खुद की एक डॉग स्क्वाड तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पर्सनैलिटी को WHO का चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है? राइट आंसर है मिस सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में मिस सौम्या स्वामीनाथन है, वो WHO की चीफ साइंटिस्ट बनी है। WHO की बात करें तो हाल ही में डॉक्टर पूनम खेत्रपाल हैं, वो WHO के साउथ ईस्ट एशियन रीजन की रीजनल डायरेक्टर बनी है। 2014 में वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन की रीजनल डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला थी और हाल ही में वो री इलेक्ट हुई है। इसके अलावा WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। जिनेवा की बात करें तो WTO का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। हाल ही में WTO न्यूज में था क्योंकि हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है वो वापिस ले लिया है। MFN का जो स्टेटस है वो WTO नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाता है। इंडिया ने पाकिस्तान को 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के एक वर्ष के बाद हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया को कभी भी ये स्टेटस नहीं दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो हाल ही में मिस कृष्णा कुमारी कोहली है, वो पाकिस्तान की सीनेट यानी कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अपर हाउस में इलेक्ट होने वाली पहली थारी हिंदू महिला बनी है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन उन्होंने पाकिस्तान के सीनेट के सेशन को चेयर किया था, यानी कि वो उस सेशन की चेयरमैन थी। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान न्यूज में था क्योंकि पाकिस्तान ने सुगरकेन जूस को नेशनल ड्रिंक के तौर पर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविंदर सिंह बिस्त किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है बॉक्सिंग। कविंदर सिंह बिस्त है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। हाल ही में उन्होंने 56 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये टूर्नामेंट फिनलैंड के हेलसिंकी में हुआ था। फिनलैंड की बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी है हेलसिंकी। हाल ही में फिनलैंड न्यूज में था क्योंकि वहां की पूरी सरकार ने हेल्थ रिफॉर्म्स ना लागू कर पाने की वजह से रिजाइन कर दिया है। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जुहा सिल्पा। हालांकि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने उन्हें केयरटेकर गवर्नमेंट के तौर पर काम करने को कहा है जब तक नई सरकार इलेक्ट नहीं होती। इसके अलावा बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ इवेंट्स न्यूज में थी। हाल ही में 3rd विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो कर्नाटक के विजयनगर में हुई। इसके अलावा हाल ही में बॉक्सर मिस MC मैरीकॉम है वो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी। इसके अलावा हाल ही में मिस्टर मोहम्मद अली कमर है उन्हें इंडियन विमेन बॉक्सर्स का चीफ कोच नियुक्त किया गया है, जबकि मिस्टर CA कोटप्पा हैं उन्हें इंडियन मेंस बॉक्सर्स का चीफ कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है मिस्टर मोहम्मद सतेया। हाल ही में फिलिस्तीनियन राष्ट्रपति मिस्टर अब्बास ने डॉक्टर मोहम्मद सतेया को फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा फिलिस्तीन की बात करें तो हाल ही में फिलिस्तीन ग्रुप 77 यानी G77 का चेयरमैन बना है। इससे पहले G77 का चेयरमैन इजिप्ट था। G77 की स्थापना 1964 में हुई थी और ये 134 कंट्रीज का एक ग्रुप है।
इसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें जो हाल ही में न्यूज में थे, हाल ही में मिस्टर मैके साल हैं, वो सेनेगल के राष्ट्रपति के तौर पर रीइलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा मिस्टर निकोलस मादुरो हैं, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, और मिस्टर सिरिल रामाफोसा हैं, वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में वो न्यूज़ में थे क्योंकि वो रिपब्लिक डे सेरेमनी के चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा हाल ही में मिस्टर नायब बुकेले ने अल सलवाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। इसके अलावा हाल ही में नाइजीरिया में राष्ट्रपति मिस्टर मोहम्मद बुहारी ने दोबारा से जीत हासिल की है। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर प्रविंद जुगनाथ, और वो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट में मुख्य अतिथि थे। ये इवेंट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने फेक नोट्स को डिटेक्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन तैयार किया है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019 के दौरान? राइट आंसर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने यह सॉल्यूशन तैयार किया है जिसके तहत फेक नोट्स हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और IITs हाल ही में न्यूज में थी, ये हैं IIT रोपड़, जिन्होंने रोशनी नाम की एक ऐप तैयार की है जिससे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो इंडियन करेंसी नोट्स को उस ऐप की मदद से स्कैन कर सकते हैं और उन करेंसी नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा IIT हैदराबाद हैं, उन्होंने एक स्मार्टफोन बेस्ड सेंसर तैयार किया है जिससे दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ IIT हैदराबाद ने हाल ही में एक BTech कोर्स भी चालू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये इंडिया का पहला BTech कोर्स होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसके अलावा IIT मद्रास ने हाल ही में राइज क्रीक माइक्रोप्रोसेसर्स तैयार किए हैं प्रोजेक्ट शक्ति के तहत, और IIT खड़गपुर ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को तैयार किया है। इसके अलावा IIT खड़गपुर ने भी एक 6 months का कोर्स चालू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इसके अलावा IIT कानपुर है, उन्होंने ट्रेड विल नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जिससे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम फेस कर रहे लोगों की मदद की जा सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कैटेगरी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में इंडिया ने फर्स्ट प्राइज जीता है? राइट आंसर है TV सिनेमा स्पोर्ट। हाल ही में इंडिया ने TV सिनेमा स्पोर्ट में फर्स्ट प्राइज जीता है इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में। ये अवार्ड सेरेमनी बर्लिन में हुई थी। बर्लिन की बात करें तो ये जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी की चांसलर हैं मिस एंजेला मार्कल। इसके अलावा बर्लिन की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उसका मुख्यालय भी बर्लिन में ही स्थित है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 78 और डेनमार्क की रैंकिंग है नंबर 1, यानी डेनमार्क लीस्ट करप्ट कंट्री है। इसके अलावा जर्मनी की बात करें तो हाल ही में 3rd इंडो जर्मन एनवायरमेंट फोरम भी हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था और इसका थीम था क्लीनर एयर ग्रीनर इकोनॉमी। नेक्स्ट है, हाल ही में 2019 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किन्हें मिला है? राइट आंसर है आर्ता इशोजाकी। हाल ही में जापान के आर्किटेक्ट आर्ता इशोजाकी को 2019 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स और प्राइजेस की बात करें तो हाल ही में जिमनास्ट मिस सिमोन बाइल्स और टेनिस प्लेयर मिस्टर नोवाक जोकोविक को 2019 के वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मिस्टर टाइगर वुड्स को कमबैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और मिस नाओमी ओसाका है उन्हें ब्रेक थ्रू ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मिस नाओमी ओसाका और मिस्टर नोवाक जोकोविक ने हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी सिंगल्स कैटेगरी में खिताब जीता है, यानी कि मिस नाओमी ओसाका ने वुमेन्स सिंगल कैटेगरी में टाइटल जीता है जबकि मिस्टर नोवाक जोकोविक ने मेन्स सिंगल कैटेगरी में टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। इसके अलावा हाल ही में मिस्टर अब्दुल अजीज मोहम्मद हैं, उन्हें 2019 मार्टिन एनल्स ह्यूमन राइट्स प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैं, उन्हें फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को सियोल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ हाल ही में ये घोषणा हुई कि इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर मिस्टर अभिनंदन हैं वो भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के पहले रिसिपिएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LHC यानी लार्ज हेड्रोन कोलाइडर हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं? राइट आंसर है CERN
ये CERN से संबंधित है और ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर है। हाल ही में CERN न्यूज में थी क्योंकि CERN ने लाइट और वीकली इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स हैं उनके एक एक्सपेरिमेंट को अप्रूव किया है। CERN की बात करें तो ये है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बात करें तो हाल ही में 2019 की ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स जारी की गई है। उस इंडेक्स के हिसाब से स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पर है, सिंगापुर दूसरे पर और USA तीसरे पोजीशन पर है। इंडिया इस रैंकिंग में 80वें स्थान पर है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के कोलोनी में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूज में था क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग है वो स्विट्जरलैंड के डावोस में हुई। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग थी और इसका थीम था ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी पब्लिश करता है। इस इंडेक्स के हिसाब से आइसलैंड टॉप पोजीशन पर है और फिलीपींस हैं वो 8वें पोजीशन पर हैं। फिलीपींस एशिया में टॉप पोजीशन पर हैं। इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स के हिसाब से 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुमेन नाम की किताब के ऑथर कौन है? राइट आंसर है शीर्षो बंदोपाध्याय। शीर्षो बंदोपाध्याय जो कि एक बंगाली नोवेलिस्ट हैं वो टाइगर वुमेन नाम की किताब के ऑथर हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो हाल ही में द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बुक न्यूज में थी। इसके ऑथर हैं मिस्टर शशि थरूर, जबकि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऑथर हैं मिस्टर संजय बारू। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड के ऑथर हैं मिस्टर वेंकैया नायडू। वी आर डिस्प्लेस्ड के ऑथर हैं मिस मलाला यूसुफजई। द लास्ट गर्ल के ऑथर हैं मिस नादिया मुराद। पायजामाज आर फॉर गिविंग के ऑथर हैं मिस ट्विंकल खन्ना। इंडिया अहेड 2025 एंड बियॉन्ड के ऑथर हैं मिस्टर विमल जालान। द गर्ल इन रूम 105 के ऑथर हैं मिस्टर चेतन भगत। लो जस्टिस एंड पावर के ऑथर हैं मिस्टर मूलचंद शर्मा। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के ऑथर हैं मिस नमिता गोखले। सिंप्लिसिटी एंड विजडम के ऑथर हैं मिस्टर दिनेश शाहारा। इंडिया इन डिस्ट्रेस की ऑथर हैं मिस ममता बैनर्जी। चेंजिंग इंडिया के ऑथर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डिजाइनिंग डेस्टिनी के ऑथर हैं कमलेश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस डिफेंस लैब ने कॉम्बैट ड्रग्स तैयार की हैं पुलवामा टाइप अटैक्स में होने वाली कैजुअल्टीज को कम करने के लिए? राइट आंसर है INMAS दिल्ली। हाल ही में INMAS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस ने कॉम्बैट कैजुअल्टी ड्रग्स तैयार की हैं जिससे गोल्डन आवर है उसको एक्सटेंड किया जा सके और जो कैजुअल्टीज हैं उनको कम किया जा सके। गोल्डन आवर का मतलब है जो भी इंजरी है उसके बाद फर्स्ट आवर जिसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल होने के मैक्सिमम चांस है और सर्वाइवल के मैक्सिमम चांस है। INMAS ने इन कॉम्बैट कैजुअल्टी ड्रग्स की रेंज तैयार की है। INMAS की बात करें तो ये DRDO की मेडिकल लेबोरेटरी है। DRDO की बात करें तो ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है और मिस्टर जी सतीश रेड्डी हैं वो DRDO के चेयरमैन हैं। हाल ही में मिस्टर जी सतीश रेड्डी न्यूज में थे क्योंकि हाल ही में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने उन्हें मिसाइल सिस्टम्स अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा DRDO हाल ही में न्यूज में था क्योंकि DRDO को 106th इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान एग्जीबिटर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। 106th इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करें तो ये पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई थी। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।